हरि ओम नारायण। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे संतान, मेरे शिष्य, मेरे भक्त, मेरे देशवासी, मेरे विश्व का सब भाई बहन, सबको मैं आशीर्वाद करती हूँ। ये दुस्समय में आप सबको ईश्वर मन में बहुत शांति दे, धैर्य दे और हिम्मत दे, ताकि इस महामारी रोग जो आए हैं, इससे आप लोग युद्ध करके आप स्वाभाविक जीवन में वापस आइए। पिछले 10 दिन से हम लोग पूरे विश्व में जो झेल रहे हैं, वो तो इसका बयान नहीं किया जा सकता है। फिर भी जब हम सब घर में बैठे हैं, अपने अपने घरों में बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इस वक्त अपने आत्मबल को बनाए रखिए, निर्बल मत होइए। कई जगह से फोन आते हैं, सुनते हैं, कोई रो रहा है, कोई डर रहे हैं, कोई अपने बच्चों के लिए डर रहे हैं, कोई माँ तो कोई बच्चे अपने परिवारजनों के लिए डर रहे हैं, कोई रो रहे हैं, कोई बुरी तरह से भय से उनको डिप्रेशन हो रहा है। मैंने ये सब सुन के देखे, बहुत कष्ट हो रहा है मुझे। मैं चाहती हूँ अभी जो मैं आप लोगों को कह रहे हूँ, ये सबके लिए है। कोई भी चाहे करे, मन से करे, उसे करने से आप लोगों को शांति मिलेगी। जब सुबह को आप उठते हैं तो कुछ काम तो है नहीं, वापस जाने का जल्दी नहीं, स्कूल जाने का जल्दी नहीं, कॉलेज जाने का नहीं, कोई काम का भी जल्दी नहीं होता। तो आप सुबह उठ के थोड़ा सा जहाँ सूर्य का रोशनी दिखता है, जहाँ सूर्य भगवान को दिखता है, ऐसे बालकनी हो, छत हो, ऐसे जगह पे आप लोग एक मैट लेके वहाँ पहुँचिए, थोड़ा देर सूर्य के सामने बैठिए। और इस ज्ञान मुद्रा से आपने देखा होगा हिंदू या सब जगह में नाच गाना, उसमें ये जो ये है ज्ञान मुद्रा है, ये इसको इसमें लगाने से ज्ञान मुद्रा, सब भगवान ऐसे बैठे होते हैं, बुद्ध देव बैठे हैं, इस भगवान गुरु लोग ऐसे बैठे होते, क्योंकि इसमें दिमागी तौर पर शांति मिलता है, नसों को आराम मिलता है, डिप्रेशन नहीं होता है, बड़ा हिम्मत मिलता है। तो ज्ञान मुद्रा से अब थोड़ा देर के लिए सूर्य के सामने बैठ के आँख खोल के सूर्य भगवान को देखिए, उनको गर्माई को अपने अंदर लेने का कोशिश करिए, पॉजिटिवनेस को अंदर लेने का अभ्यास करिए। कुछ समय बाद आप हाथ को तलवे को खूब घिस के अच्छी तरह से जब गर्माई आ जाए आँख के ऊपर, ऐसा रखिए 5-7 बार। उसके बाद आप खड़ा होके सूर्य नमस्कार, सभी लोग जानते हैं, मेरे आपको इसमें मैं थोड़ा सा देंगे सूर्य नमस्कार का। आप लोग प्रणाम सूर्य को नमस्कार करिए उनका आसन से, तो हमारा सारा दिन में जो आसन हम लोग दौड़ नहीं रहे, चल नहीं रहे हैं, खाली चिंता कर रहे हैं, भय हो रहा, तो हम लोग सब घबराए हुए हैं। इसलिए अगर आप सूर्य नमस्कार करेंगे तो आपको शरीर को एनर्जी मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, और सचमुच बढ़िया जो पॉजिटिव ऊर्जा मिलेंगे आप लोगों को, अच्छा लगेंगे, शक्ति मिलेंगे, खाना वगैरह हजम होगा। तो सूर्य नमस्कार के बाद थोड़ा वहीं बैठ के वज्रासन, दोनों घुटनों को मोड़ के, वही वायु मुद्रा से भी हो सकता है। देखिए ये जो ये वाला अंगूठी वाला है, इसको नीचे करिए, ये वृद्ध इस उंगली को इसको ऊपर रखिए, इस उंगली को ऐसा रखिए, ऐसा करिए करके वज्र आसन में बैठ के सूर्य भगवान को थोड़ा देर दर्शन करें, और कम से कम 5 मिनट बैठने की कोशिश करें। तो इसे आपको पेट का पाचन शक्ति को बहुत अच्छा करेंगे, शरीर अच्छा लगेगा, पॉजिटिवनेस आएंगे बॉडी में। और पीट के दर्द वर्द बहुत ज़्यादा हम बैठने से टीवी देख रहे हैं, कुछ काम नहीं तो टीवी देखते हैं, कुछ करते तो हम लोगों जो पीठ में देखा मैंने दर्द, मुझे खुद भी हुआ एक दो बार, मेरे बार महसूस किया, तो इससे आराम मिलता है। और खाने जो हम खाना खाते हैं, खाद्य गुण को पूरा शरीर से उसमें से निकाल के हमारे शरीर को पहुँचाते हैं। तो वज्रासन में इस मुद्रा या ज्ञान मुद्रा से अगर आप बैठ के जी जो धर्म को फॉलो करते हैं, मन मन में उसी देवता को याद करिए, और कम से कम इस सर्व क्रिया को 1/2 घंटा सूर्य में बैठिए, सुबह का सूर्य में, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छा महसूस होगा, देखिएगा मन भी अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि आसन में तो कई आसन है, लेकिन सूर्य नमस्कार जो है उसमें शरीर के वो आसन है जो दिन भर में हम शरीर से उन पोजिशनों को काम में लेते हैं, तो आप लोगों को बॉडी में हिम्मत भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। इसके अलावा पद्मासन में जब भी व्यापक वक्त मिले, थोड़ा सा ऊंचा में हो या खटके ऊपर चरपाई के ऊपर बैठ के पद्मासन करिए, पद्मासन ज्ञान मुद्रा, तो इसे आपको अंदर का नेगेटिवनेस खत्म होता है,
पॉजिटिवनेस आते हैं, शांति मिलता है और ज्ञान का वृद्धि होता है और आरोग्य प्राप्ति होता है। तो पद्मासन सबसे सबसे प्रिय आसन है। सब योगी ऋषि मुनि देवता योवता सब पद्मासन बैठे होते हैं कि पद्मासन में सचमुच इंसान देवता सबको ऊर्जा मिलता है। तो आप लोग कोशिश करिए 15-20 मिनट सूर्य का सामने बैठ के करें, तो सूर्य के सामने बैठ के करने से आपको देखिए दर्द दुर्द भी कम हो जाएगा और आप लोग स्वस्थ रहने लगेंगे। इसके अलावा मैं मुद्रा के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। मुद्रा आजकल तो नाच में ही रह गया, लेकिन बहुत जमाना पहले ये मुद्रा शरीर के लिए अस्वस्थता के लिए बीमारी के लिए ये काम में लगते थे। बहुत मुद्रा ऐसा है हम बगैर औषधि खा के अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। इसमें खाने के मुद्रा इस वक्त हम लोग को खाना ठीक से मिलना चाहिए और पेट में शुद्ध आहार जाना चाहिए। इसलिए इसको शुद्धि करने के जैसे खाना है जो हिंदू धर्म के लोग जो मानते हैं, बाकी जो जैसा मानते करो करो, तो उसके ऊपर हम लोग पंचाहवानी मुद्रा खाने के ऊपर जैसे ऐसा करके ईश्वर को बुलाए, हे ईश्वर आपने हमें ये खाद्य दिया है, ये इसी के अमृत बना दीजिए ताकि हम इसको खाने के उपरांत हमारे शरीर को अच्छा हो जाए। तो आहवानी मुद्रा मत भगवान भगवती ईश्वर जो जिसको मानते हो उनको 3 बार ऐसा करके बुला सकते हैं, यह गच्छ यह गच्छ यह गच्छ यह तृष्ट, हे देव देवता जिसको जो मानते हो आप यह तृष्ट होके बैठिए, इस खाद्य को अमृतमय करिए। यह सन्निधे सन्निरुद्धियातम अतृष्टम कुरुत मम अन्य अमृत कुरु स्वाहा, मेरा यह आके बैठिए शांत होके बैठिए और ये जो अन्न इस वक्त आपने मुझे भोजन के लिए दिया है इसका अमृत स्वरूप करिए और हमें इस भोजन के उपरांत शरीर में अमृतमय शक्ति को प्रदान करिए। तो इसको पहले उसको खाने के लिए 5 ग्रास होता है। देखो ये दोनों को ऐसा करके पहले थोड़ा उठाया प्राण आया स्वाहा, नहीं तो ऐसे ही खाइए बोलना नहीं आता है तो उदन है स्वाहा उसको मुँह में डाला, ये सोमन है स्वाहा, फिर एक चारों उंगली को इकट्ठा करके इसको मुँह में लीजिए, फिर पंच उंगली से ऐसा लीजिए, पंच मुद्रा है इसे खाना को खाइए ताकि ईश्वर को धन्यवाद देके बाकी खाना आप लोग खाइए। खाते के बाद बात नहीं करिए, मन में अच्छा चिंता करें, देवता का चिंता करें, ईश्वर की चिंता करें, औषधि का चिंता करें, धन्वंतरी का चिंता करें ताकि खाना आपका अंदर औषधि की तरह जाके आपका अंदर का रोग को विसर्जन करा दे और आप लोगों को रक्षा करे। उसके बाद खाना खाने के बाद अच्छी तरह से हाथ पैरों को धो के फिर थोड़ा सा आपको अमृत धारा सब गर्म दुकान आजकल बंद है मिलेगा कि नहीं जाना, घर में भी आप बना सकते हैं, थोड़ा सा इलायची कपूर एक तुलसी पत्ता और थोड़ा डाल के पानी को उबाल लीजिए, उसमें थोड़ा कपूर भीम से नहीं कपूर मिल जाए थोड़ी सी डालिए, उसको तैले करके छन के उसको थोड़ा सा आधा चम्मच खा लीजिए तो शरीर के खाना को हजम वजम करा के उसका सब खत्म करेंगे। ऐसा अमृत धारा हर जगह में मिलता है, हर कंपनी बनाता है, 5-4 अमृत धारा लीजिए, अमृत धारा अच्छा है। ये एक किस्म का इनका एंटीडोट भी है, जो आज बीमारी आया है इसका एंटीडोट भी है, नहीं तो आप कपूर से जल निर्माण करें, एक लीटर जल लीजिए उसमें आप सब कुछ डालिए थोड़ा थोड़ा, डालने के बाद तुलसी के पत्ता इलायची लौंग 1 लौंग 2 लौंग डाल के इसको अच्छी तरह से उबालिए, उतरने से पहले एक तो छोटा चम्मच का कपूर डाल के उबाल के ढक दो, ठंडा होने पे उसमें से आप तो उबल लीजिए, पहले खूब 10 मिनट उबल लेना पानी को, फिर उसमें कपूर डाल के गरम गरम रख दीजिए, फिर जितना बचता है छन के निकाल के रखिए, सबको आधा आधा चम्मच दीजिए, उसे अमृत धारा कर, जैसे बच्चों को पेट खराब होता है दरकता है तो हम लोग देते हैं, महान लोग बचपन में सभी देते हैं, हम लोग हिंदुस्तान में अमृत धारा बड़ा प्रसिद्ध है, हर कंपनी बनाता है, दवा कंपनी दे आयुर्वेद कंपनी, अगर मिल जाए तो वो लीजिए, एक दो दो बूंद 2-3 बार जो खाते हैं 5-7-10 बूंद, बड़ों को 10 बूंद लीजिए आधा चम्मच लीजिए और छोटे बच्चों को 5 बूंद दीजिए, सब लीजिए, समझ लीजिए एक किस्म का आपको इस रोग से बचाएंगे, उसमें शक्ति बनता है कि रोग से हम लोगों को बचाते हैं अमृत धारा से, तो इसका नाम इसलिए अमृत धारा है। तो ये ज्ञान और मुद्रा से, जैसे ज्ञान मुद्रा आपको नींद नहीं आ रहा बेचैन हो, ये ज्ञान मुद्रा मुझे बताया, ये दोनों कैसा करके आप बैठे हो सोए हो कुछ देर बैठे बैठे हो
कुछ भी मन में अच्छा चिंता करिए, भगवान रामचंद्र कृष्णचंद्र जो भी शिव जी माँ जी दुर्गा जी जो जिस धर्म का अनुयायी हो उसको इस मुद्रा से आप या जिसको आप प्यार करते हो उसके बारे में सोचिए, यानी चित्त को एक करिए, चित्र मन को एक करिए, उसको सोचते रहिए और मन में से बोलते रहिए, नींद आएगा सो जाइए। तो उसमें आपको कोई प्रेशर या नेगेटिवनेस या आपको डिप्रेशन नहीं होगा। और मैंने कई दिन से कह रहा हूँ सब घर में सरसों का तेल का थोड़ा छोटा बत्ती बना के दीपक जलाइए, क्योंकि उसमें जो भाप आते हैं वो किसी किस्म का सरसों में से एक भाप आते हैं जिससे हमारे नाक से कोई ऐसा तकलीफ जा नहीं सकता। तो घर के अंदर भी हम लोग जलाए रखेंगे तो अच्छा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 9-5 तारीख के लिए बोला है, तो एक दिन नहीं रोज जलाइए, सुबह शाम जलाइए, ताकि आप हमारा देश इस प्रकाश से इस ताप से इतना दिया जलेंगे तो कितनी ताप होगा उसमें, इसी ताप से हमारा यहाँ का रोग नष्ट हो जाएंगे। तो हम आप लोगों को हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं कि इन सब चीज़ों को करिए, अपने को मजबूत करिए, अपने को सफाई से रखिए, मन चित्त सबको ईश्वर के नाम पे करके उनके संतान हम लोग को ही बचाएंगे। मारने वाले से बचाने वाले बड़े होते हैं। रोग अगर हमारे पास रोग अगर मारने के लिए आया है तो आरोग्य भी आया है, आरोग्य करने के लिए धन्वंतरी है, आरोग्य देवता है, औषधि देवता है, ये अमृत देवता है, ये लोग सब हमें बचाएंगे भी। इसलिए ईश्वर ने दुख देने से पहले दुख का निवारण भी दिया है, तो निवारण में आप लोग उनका ईश्वर का साथ दीजिए, सत्य का साथ दीजिए, और मैं जो करने से आप लोग को अच्छा होगा वही करिए। हम तो खाली कह ही सकते हैं, अपने कुछ नहीं तो अपने शिष्यों को मैं कह रहा हूँ आप ही लोग शुरू करिए, देखिएगा आपको कुछ नहीं हो सकता है। ये अमृत धारा पीजिए और इस तरह से आसन इत्यादि करिए, ध्यान करिए, देखिए आप लोग निश्चिंत होंगे, बहुत ठीक हो जाएंगे बहुत जल्दी। हम लोग इतना बड़ा क्राइसिस जो हम लोगों के ऊपर आए हैं पूरा पृथ्वी के ऊपर, हम इसमें से निकल सकते हैं, निकलना ही हम लोगों का इस वक्त ध्येय होना चाहिए। जो भी काम करिए बस पॉजिटिव सोच के करिए, कुछ भी नेगेटिव मत करिए, डरिए नहीं, डरना नहीं है, डरिए नहीं, सब साथ दे रहा, ईश्वर भी साथ दे रहा, मनुष्य भी दे रहा, देवी देवता दे रहा, गुरुजन दे रहा है, पॉलिटिशियन लोग दे रहा, देश का हमारा सरकार दे रहा है, सब हम लोगों को मदद ही कर रहे हैं। हम उनको साथ दें, हम वैसे ही बने जो से हम बच सकते हैं, उन चीज़ों को करें बार बार जिससे हम अच्छे हो सकता है। द्वेष नहीं रखिए मन में, भय नहीं करिए, जो भी कुछ करिए सब मन से करिए, अच्छा के लिए करिए, इससे आप लोगों को उन्नति होगा। सत्संग करिए, सत्संग सुनिए, कुछ नहीं तो हरे अकेले दो आदमी बैठ के भी आप लोग हरे कृष्ण कर सकते हैं, नाम संकीर्तन कर सकते हैं, कुछ भी कर, और कुछ नहीं कर सकते, दिया तो जला सकते हैं घरों में, छोटा छोटा दिया सुबह शाम जलाइए, बाहर के बालकनी में जलाइए, छत में जलाइए, चारों तरफ जलाइए, जैसा मैं पिछले 20 दिन से कह रही हूँ, इससे हम लोग बच सकते हैं। दिया जो होता है उसमें उसका ताप बहुत होता है, पवित्र होता है, उसी ताप से कोई घी का जला लीजिए, कोई मोमबत्ती जला लीजिए, कोई सरसों का जला लीजिए, जो जिसमें अच्छा मानते हैं उससे करिए, देखिएगा आप लोगों को सबका अच्छा होगा। मैं आशीर्वाद देती हूँ आप लोग सब जल्दी कुशल पूर्वक ठीक होके आने वाले समय में हम सब इस बहुत बड़ा क्राइसिस से, बहुत बड़ा मुसीबत से निकल के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हमारे सरकार, हमारे भगवान गुरु जन उन सब मिलके जो कोशिश कर रहा है इसका ज़रूर फल हम लोगों को मिलेंगे। और जैसा मैंने कहा अपने शिष्य के लिए दोबारा कह रही हूँ कि आप लोग महामृत्युंजय के पाठ, बगला मुखी के पाठ जब, गायत्री जब, दुर्गा की जब, ये सब करते रहिए, ताकि दिन भर आप लोग मूवी चलता रहे तो जाप करते रहेंगे, वातावरण में शांति सुख समृद्धि और नेगेटिवनेस थॉट्स को नष्ट कर देता है। और आज यह आशीर्वाद देता हूँ, मेरा बहुत आशीर्वाद वो जल्दी तुम लोग उठो, खड़ा हो जाओ और मन से अपने को बचाओ, दूसरों को बचाओ, पृथ्वी को के लिए अच्छा सोचो, धर्म के लिए अच्छा सोचो, अपने लिए अच्छा सोचो। अच्छा में अच्छा दिखता है, बुरा में बुरा दिखता है, इसलिए हमें बुरा तो देखना नहीं है, हमें अच्छा देखना है, शांति की चिंता करना है, आरोग्य की चिंता करना है। हम जल्दी आरोग्य होके माई भगवती का पूजा साधन भजन आनंद से सब करेंगे, उत्सव मनाएंगे, जिस दिन हम लोग सब ठीक हो जाएंगे। हरि ओम तत्सत, सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, ठाकुर जी माई जी आप लोगों को बहुत शक्ति दें इस महायुद्ध में युद्ध करके,
आप लोग उनका आशीर्वाद प्राप्ति करें और आप लोगों सबको मंगल हो, अमंगल को नाश करके माता भगवती दयामयी जिनका ही विश्व है वो आप सबको इस कष्ट से निकाल के उनके संतान बना के हम लोग को रक्षा करें। यही आशीर्वाद के साथ आज का आप लोगों को विजयादशमी का कुछ जैसे भी हुआ विजयादशमी सचमुच इस महारोग से हम विजय प्राप्ति कर सके, आप लोग कर सके, सब कर सके। तो आज शुभ विजय का शुभ आशीर्वाद के साथ आज का सत्संग का आशीर्वाद। नारायण नारायण नारायण।